एक स्टूडेंट जो अपनी टीचर से ऑब्सेस्ड होता है और उसके बाद टीचर भी हो जाती है उसकी दीवानी। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डी लियरलिंग। मूवी की शुरुआत में हम लाना को देखते हैं जो अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही होती है। लाना एक टीचर होती है और अगले दिन हम उसे अपने स्कूल में देखते हैं जहाँ वो आज एक टेस्ट लेने वाली होती है और क्लास में सबको टेस्ट पेपर्स बाँट रही होती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी चेयर पर बैठ जाती है तो एक लड़का बेनी उसे देखने लगता है। वो लाना को पसंद करता है और लाना भी उसे देख लेती है। लाना के देखने के बाद भी बेनी अपनी नज़रें नहीं हटाता और फिर लाना उसे इग्नोर करती है, लेकिन वो समझ जाती है कि बेनी उसे क्यों देख रहा है। फिर अगली क्लास में एक प्रेजेंटेशन चल रही होती है और दो लड़कियाँ क्लास में ध्यान नहीं दे रही होती। लाना उन्हें अटेंशन देने को कहती है, लेकिन वो स्टूडेंट लाना के साथ बहस करने लगती है जो बेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ी देर बाद जब लाना अपने ऑफिस में होती है तो वो अपनी विंडो से नीचे देखती है जहां बेनी उस लड़की को रोक देता है जो लाना के साथ मिसबिहेव कर रही थी और उसकी बुक्स नीचे फेंक देता है और उसकी साइकिल भी। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी को बात करने के लिए बुलाती है और कहती है कि तुम यहाँ नए हो और तुम्हें अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे से रहना चाहिए और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमसे ये क्यों कह रही हूँ। वो कहती है कि तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स भी अच्छे नहीं हैं और तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू की चीज़ों पर। इतना कहकर वो चली जाती है और फिर अगले दिन जब लाना वॉशरूम में होती है तो बेनी भी वहाँ आ जाता है। वो लाना के करीब आता है और उसे टच करने लगता है। फिर वो लाना को सीड्यूस कर रहा होता है और लाना उसे रोक देती है। वो कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। बेनी कहता है कि तुम भी मुझे चाहती हो, लेकिन लाना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्लास के बाद जब लाना वापस जा रही होती है तो बेनी भी उसके साथ साथ चलने लगता है। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्लास के बाद, लेकिन लाना उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम ये सब भूल जाओ। जिसके बाद लाना अपनी बेटी को स्कूल से पिक करती है और घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद लाना फिर से अपनी क्लास में आती है और बेनी उससे बदतमीज़ी से पेश आता है। वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है जिससे सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और लाना गुस्सा हो जाती है। फिर अगले दिन जब वो अपनी बेटी को घर पर पढ़ा रही होती है तो कोई उसके घर पे बार बार कॉल करता है, लेकिन जब लाना फ़ोन उठाती है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता और उसे डाउट होता है कि ये सब बेनी ही कर रहा होगा। अगले सीन में हम लाना को एक आर्ट गैलरी में देखते हैं और थोड़ी देर बाद बेनी भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर लाना घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वो बेनी से दूर जाना चाहती थी और जब वो लिफ्ट में पहुँचती है तो बेनी भी वहाँ आ जाता है। लिफ्ट बंद हो जाती है और बेनी लाना के करीब आ जाता है। लाना की सांसें बढ़ने लगती है और वो बेनी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। इससे पहले ही बेनी उसे रोक देता है और फिर खुद से उसे सेड्यूस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह लाना जॉगिंग पर जाती है और वहाँ वो किसी सोच में होती है, जिसके बाद वो अपने स्कूल में होती है और सबके जाने के बाद एक रूम में चली जाती है जहाँ एग्ज़ाम्स के पेपर होते हैं और वो एक पेपर चुपके से निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद जब सारे स्टूडेंट्स क्लास में बिजी होते हैं तो लाना वो पेपर बेनी की जैकेट में डाल देती है। फिर घर जाकर लाना अपने हस्बैंड को नहाते हुए देखती है और वहाँ चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन लाना अपने कलीग्स के साथ होती है और तभी हम वहाँ बेनी को देखते हैं जिसे पुलिस कहीं ले जा रही होती है। ये देखकर लाना के चेहरे पर एक खुशी होती है क्योंकि अब वो बेनी को खुद से दूर करना चाहती थी। बेनी भी लाना को वहाँ देखता है और उसे शक होता है कि ये सब लाना का ही काम होगा। फिर इस सब के बाद हम लाना को अपने हस्बैंड के साथ देखते हैं जो स्विमिंग कर रहे होते हैं और मस्ती भी। और अगले ही सीन में हम लाना को अपनी क्लासरूम में देखते हैं, लेकिन आज बेनी वहाँ नहीं होता, जिसके बाद लाना बेनी को इमेजिन करने लगती है
जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि लाना अभी भी बेनी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही होती। उसी शाम वो अपनी बेटी को शॉपिंग के लिए ले जाती है और कुछ देर बाद उसकी बेटी वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर वो सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरा में देखने लगती है और बहुत घबराई हुई होती है। कैमरे में उन्हें बेनी भी वहाँ दिखता है और लाना को लगता है कि बेनी ने ही उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। लेकिन इतने में लाना के हस्बैंड का फ़ोन आता है और वो कहता है कि हमारी बेटी मेरे साथ घर पर है। और ये सुनने के बाद लाना की जान में जान आती है। उसी रात जब लाना सो रही होती है तो अचानक से उसकी नींद खुलती है। और उठने के बाद जब वो अपनी विंडो की तरफ जाती है तो कुछ देर बाद वो फिर से बेनी को रोमांस करते हुए इमेजिन करने लगती है और उसे याद करती है। अब लाना से ये सब नहीं सहा जा रहा होता और अगले दिन वो बेनी के घर पहुंच जाती है। और जब बेनी अपनी बाइक पर कहीं जाने लगता है तो लाना भी उसका पीछा करने लगती है। वो काफ़ी दूर तक उसका पीछा करती है और बेनी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। काफ़ी दूर जाने के बाद लाना मौका देखकर अपनी गाड़ी से बेनी को ठोक देती है, जिससे बेनी की मौत हो जाती है। लाना घबराकर पीछे देखती है और फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। वो बेनी से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी और अब बेनी हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाता है। और यहीं पर हमारी मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आपको ये YouTube पर मिल जाएगी। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।